अभी आप लोगों ने ये रख दिया है, अभी वो ज्वाइंट करना शुरू कर दिया है, वो रख दिया है जी, हैवी है, पापा हेल्प करेंगे तो हम ज्वाइंट करेंगे। चले ये कर लें ना, ऐसे निकालें। हम बच्चों को इसलिए ये काम देते हैं ताकि बच्चों को भी ट्रेनिंग हो, बच्चे सीखते हैं छोटे छोटे कामों से, ये ज्वाइंट करने होते हैं, इनमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमदान को तो वैसे भी शौक है, वो चीज़ें तोड़ता जोड़ता रहता है, तो ये काम इसलिए हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों। हाँ, इसमें आपको मिलेगी यूज़र गाइड, इसको फॉलो करते जाएं। इसकी तो पिक्चर भी है ना उस बॉक्स के बाहर, दिखाएं मुझे ज़रा। हाँ जी, इसकी कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये मल्टी फंक्शनल मोबाइल कार्ड सा बना हुआ है, इसका फ्रंट वाला ये इस साइड पे ऐसे है, ये देखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। इसके टूल्स किधर? टूल्स अंदर ही होंगे, छोटे छोटे पार्ट चेक करें प्रॉपर। भाई तो ऐसे लगता है जैसे रैक डे है। अब जी पापा भी आ गए हैं इनके, और देविया भी, देविया हेल्प कर रही है। अच्छा, सेम हाइट रखे ना, इक्वल सबके? नहीं, आप इक्वल रखें, सबकी सेम आनी चाहिए, फिर वो अप डाउन तो हो सकते हैं ना, जस्ट उसी टाइम में भी हो सकते हैं। तो देविया लग जाएगा, बी केयरफुल। ये तो वेजिटेबल वाले के लिए मैं यूज करूंगी, ये रहे हैं, ऑनियन रख लूंगी, कोई मैं गार्लिक वगैरह रख लूंगी। उदयभिया हेल्प कर रही है ना, अभी तो जरूरी जुड़ जाएगा। ओ एच बन गया उदयभिया, एच बन गया, गुड। होल्ड करके रखे हम दाने से, और ये रैक इतना अच्छा है ना कि आप इसको ऊपर नीचे भी देखें, यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं जी, साइड पे आपने रखना है। इसकी शेल्व्स एडजस्टेबल है, ये देखें इस साइड से अभी जॉइंट हो रहा है। आज जी हमारे जो किचन की डिकोर है ना, उसका काम चल रहा है, सारे किचन के आइटम है। ये भी किचन का रैक है, ये सलार जो कर रहा है, ये भी किचन का रैक है। आज किचन भी है, किचन का दिन है आज, सारी शॉपिंग किचन की हुई है सलार। और अभी किचन का वो टिशू रोल भी कहाँ है, वो भी मैं ले आऊँ, उसको भी जॉइंट करना है इन्होंने। ये जी एक और रैक, ये भी मैंने कहा इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें बंदा रख लेता है किचन में, ये रैक भी हमदान को कहा है जॉइंट करें। और अभी ये एक टिशू का डिस्पेंसर है, ये भी लगाना है, ये भी अभी हम लाए हैं वहाँ से, ये वाला, ये ओपन हो गया है। वाह, वाइट कलर में लिया था, इसमें ब्लैक भी था, मैंने कहा नहीं वाइट अच्छा लगेगा, इसको ओपन करें। वो सलार जॉइंट कर रहा है, ये अर्शी ने अंदर रखा है, अर्शी खुद जॉइंट करेंगे किचन में रख के, फिर किचन के अंदर एंटर नहीं होना। मुझे इसको करने देना, ऐसे पीछे करें ना, ऐसे इसके भीतरी ऐसे हैं, उसमें स्क्रू लगने हैं। हाँ ये भी टायर वाला है, ये भी किचन में रखेंगे, ये भी अच्छा। ये भी मैं एक लाई थी सोप डिस्पेंसर, ये सोप डिस्पेंसर सेंसर वाला है, इसको भी ओपन करें ना ज़रा। ये पहले भी हमारे पास है, ये बड़ा अच्छा रहा है, अर्शी इसको करें। आप लोग रस खा रहे हैं, रस बाद में खाइएगा, ये करें ना ज़रा। बाप बेटी आज रसों के साथ लग गए हैं, देखें उदयभिया भी रस खा रही है, उदयभिया के पापा भी। जल्दी करें अर्शी, ये दिखाएँ ज़रा निकाल के, ये इसको ऐसे आपस में निकाल लेना, और ये इस तरह का ना डिस्पेंसर है, ये हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है एक वाशरूम में, तो दूसरे के लिए फिर ये लेके आई हूँ। ये इस तरह से इसकी लुक है, ये इसमें सेल डालेंगे और बस फिर ये करेगा काम। ये भी लगाते हैं वाशरूम में। ये भी बस हमदान और उदयभिया, क्या हुआ है इनके बस टायर को टायर को टाइट करना है, और ये भी रैक भी जोड़ लिया है, अच्छा लग रहा है ये भी। ये भी मैं किचन के लिए लाई हूँ रैक, आपने फिर ओपन कर दिया। मैंने तो आपको आइडिया दिया कि वो लूज है, थोड़ा आप चेक कर लें, इसको रीचेक करके जॉइंट करें। ये है जी इस रैक की फाइनल लुक, हमदान ने जॉइंट कर लिया है माशाल्लाह, टायर है इसके, और ये इसके साथ आपने कोई चीज़ हैंग करनी है तो हैंग भी कर सकते हैं। ये
ये आप देखते हैं, अभी तो फाइनल ही नहीं हो रहा, कभी कहते हैं किचन में रखें, कभी कहते हैं इसको बाहर रख लेते हैं किसी और जगह पे, तो देखते हैं कहाँ ये इसे रखते हैं। ये पापा ने लगाना है हमदान, ये जॉइंट वाला नहीं है, ये पापा लगाएंगे, टिश्यू का रोल है किचन में लगाने के लिए। हाँ जी, इसकी दिखाएं सामने से दिखाएं। ये क्लियर वाला भी था तो ये मैंने ब्लू लिया, मुझे अच्छा लगा था ये। इसमें आप टिशू रख सकते हैं, मैंने कहा किचन में तो हर टाइम जरूरत होती है टिशू की, तो इसमें रख लेंगे। नाइफ की गियर करना लग ना जाए बेटा, अच्छा लग रहा है ना ब्लू जी। ये है जी टिशू पेपर का बॉक्स टिशू रखने के लिए, इसको वॉल के साथ है हैंग करेंगे ना किचन में। खराब कर दिया मैंने तो नहीं खराब किया, मैंने आपको कहा है कि इसको दोबारा रीचेक कर ले, सरार को सेट नहीं, अभी जुड़ ही नहीं रहा, बार बार सरार उसको अभी कर रहे हैं चेक, पता नहीं पापा को पता होगा, मैंने अभी इसकी इंस्ट्रक्शन नहीं देखी। ओपन कर लिया आपने, ये ओपन कर लिया तो इसमें जरा टिश्यू रख के देखें, ये वाला टिश्यू का रोल है ना हमदान, ये इसमें टिश्यू रोल रखे हैं अभी। इसकी ये फिटिंग होगी ना साथ, ये इस तरह से ये टिशू का रोल रखने के लिए ना, ये हमने बड़ा लिया, इसमें छोटा साइज भी था तो फिर पापा ने कहा कि आप छोटा भी रख सकते हैं बड़ा भी, तो ये ले लेते हैं बड़े वाला, फिर हमने ये लिया। आपको कैसे पता? हाँ शार्प है ना, उसे टिशू कट होगा। फाइनली सलाद ने भी ज्वाइन कर ही लिया है, ये ग्रे कलर का देखें रैक, ये मैं लाई हूँ, मैंने कहा इसको भी कहीं रखेंगे, तो अब ऐसे ये लोग कहते हैं अर्शी भी और सलाद लोग भी किसी किचन में रखें, इसमें ओनियन पोटैटोज गार्लिक वगैरह ये इसमें रखें, लेकिन अब देखें इसकी जगह बनती है किचन में, ये नहीं बनती, क्या आता है इसकी फाइनल सलाद, फाइनल लुक दिखाएं इसकी साइड से, इसे टर्न करें, इसके नीचे भी टायर लगे हुए हैं और ये इस तरह इसकी ये लुक है फाइनल। ये जो इसकी का फ्रेम है ना वो मेटल का है, टायर भी प्लास्टिक के हैं लेकिन उनका फ्रेम भी मेटल का है, और इस तरह से ये लाइट वेट है ना बिल्कुल अच्छा, लेकिन सही मजबूत वाला है। हाँ जी ये जॉइंट कर रहे हैं, मैं बाहर थी अभी आई हूँ और कंप्लीट होने वाला है इस तरह। मैं बाहर गई थी और अभी आई और देखी हूँ देवी और रमदान के काम, ये पता नहीं क्या एक्टिविटी करते रहे दोनों, और यहाँ देखें इन्होंने कितने वो डाले हुए हैं सब सामान अपना रखा हुआ है। देविया ने, देविया ने ये क्या हार्ट वाला कार्ड किसके लिए बनाया है, किसके लिए बनाया, सही सीता ना, ओए मेरे लिए थैंक यू सो मच। नो क्यों, अच्छा चलो बाद में बता लेना किसके लिए बनाया है, और ये सारी चीज़ें समेटें देखें, ये आपने सारे ये अच्छा बनाया, ये बनाया क्या है, हर टाइप बनाया हमदान ने, हुदैबिया ने, क्या अच्छा हमदान भाई ने बनाया हम दोनों के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम लोग जी गए हुए थे बाहर थोड़ी ग्रोसरी करनी थी, अभी आए हैं तो बस अभी खाना में भी हमने बनाना है, आज हम लेट हो गए हैं, तो ग्रोसरी क्या करनी थी, हम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गए हुए थे और उधर से लेके आए हैं सब्जियां, और वो सलार अभी उसको भेजा है बेसमेंट में के जा ले के आए, वो अभी ले के आएगा, और ये देखें सब्जी मंडी से हमारी शॉपिंग आज हम ट्रॉली में रख के, हम ट्रॉली को अंदर नहीं ले गए थे, वहाँ से हमने दूसरी ट्रॉली हायर की थी वो ट्रॉली वाले अंकल, तो ये अभी हम मैं संभालती हूँ सारी चीज़ें,
बेसिकली तो जो हमारे पोटैटो होते हैं ना, आलू हम पाकिस्तानी खाते हैं तो वो वहाँ से ही मिलते हैं। और आजकल ऑरेंज का भी सीज़न है तो मैंने कहा चलो ऑरेंज भी ले आते हैं। और ये अर्शी ने लिए हैं जी मेथरे, मैं आपको दिखाती हूँ ये आलू। इस दफ़ा आलू नए आए हुए हैं, अच्छे हैं फ्रेश। और उसके बाद ये टमाटर और ये मूली है। और इसमें क्या है जी, ये पालक धनिया वगैरह। तो ये बस सब फ्रूट है वेजिटेबल मार्केट से, मैं बस अभी एंटर हुई हूँ, अब मैं ये चीज़ें संभालूंगी। ये करेले, ये ओपन करें ज़रा। और ये लाई हूँ करेले, अच्छी करेले शौक से खाते हैं, बच्चे तो इतने नहीं खाते। और ये टमाटर है इसमें, और इसमें क्या है सला, इसमें हाँ इसमें बनाना होगा, ये बनाना है। और चेरी भी थी, चेरी लाई हूँ। मटर इतने फ्रेश आए हुए थे, ये मटर लाई हूँ। मटर इस सीज़न में सही मज़े के आते हैं। और इसमें क्या है, हाँ जी एप्पल है। ये बस किस में रखते जाए ना, फिर बाद में रख लेते हैं। और ये आलू हैं इसमें, और ये भी करेले हैं। पापा ने 2 टाइम करेले, नहीं अभी आपने रखे हैं, ये उठाएं। ये भी पोटैटो, ये सलाद इधर नीचे गिरेंगी ना। ये इसमें क्या है चेक करें, हाँ इसमें वो होगी शायद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी होगी। और इसमें ये मेथरे हैं, ये मेथरे हैं। और इसमें क्या है दिखाएँ, हाँ जी ये मैं लाई हूँ चेरी। ये थी तुर्की की ना चेरी, तुर्की की चेरी सबसे मज़े की होती है। ये देखिए चेरी है, वो भी हैं 2 पैकेट चेरी। ये तो फ्रिज में रखे ना, ये तो ऐसे ही रख दे। ये ग्रीन चिल्ली, हम आटे में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिल्ली डालते हैं, हम रेड चिल्ली यूज़ नहीं करते। ये ग्रीन चिल्ली है इसमें, ये अदरक सलाद, ये अदरक है बेटा, ये भी फ्रिज में रखना, ये अदरक, हाँ जी जिंजर है, ये अदरक खोल ऊपर से थोड़ा सा लूज करके ना आप इस बैग में से रखिएगा, अदरक है ये, हाँ जी। और ये टमाटर, इतने अच्छे टमाटर मिले हैं ना मुझे, लंबे वाले भी थे आज, देखा हमने कहा लंबे वाले नहीं लेने। और ये गोभी है, ये गोभी है सलाद इसमें। सबसे मुझे अच्छी जो चीज़ लगी है ना वो आज पोटैटो लगे हैं, सही फ्रेश आए हैं पाकिस्तान से पोटैटो। गोभी दिखाएं जी, दुबई की गोभी जी, वाह ब्यूटीफुल गोभी है ये। इसमें क्या है, ओपन करें। कुछ चीज़ें पापा लेते रहे हैं, कुछ मैं लेती रही हूँ, तो वहाँ टाइम ही नहीं मिला फिर वीडियो बनाने का। ये तो पोटैटो है, ये इसमें क्या है, हाँ इसमें वो ये अर्शी खाते हैं रेड वाली मूली ना, ये रेड वाली मूली अर्शी खाते हैं, ये सारी वो ही हैं। और इसमें क्या है, ये नीचे हमदान आपके लिए मेरे ख्याल है, पापा ने वो स्वीट मेलन लिया था। और ये हाँ जी ये स्ट्रॉबेरी देखें, दुबई से स्ट्रॉबेरी कितनी फ्रेश मिलती है। ये भी ले जाएं, ये भी वो चेरी है, ये भी मैंने ली है, इस दफ़ा चेरी मैंने ज़्यादा ली है, अब आप लोगों ने खानी है क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं रख सकते इनको ये। और ये बाकी इसमें क्या रह गया सर, ये क्या है देखिए, हाँ ये अर्शी ने लिया है जी कद्दू पकाने के लिए। मैंने कहा एक लें क्योंकि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, अच्छी खाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो कद्दू और दाल बनाएंगे। ये देखें जी कद्दू फ्रेश दुबई में। और ये कोकम्बर है, हाँ जी ये खीरे हैं। और ये पुदीना, इतना फ्रेश पुदीना है। और पालक है, हाँ जी पालक है, बस मैंने कहा पकौड़े बनाएंगे पालक उस ले। और नीचे इसके अंदर ही धनिया है, हाँ ये फ्रेश धनिया देखें। और हाँ एक साथ ही रखें। और ये कोकम्बर, इसमें कोकम्बर है। और ये है जी वो मूली सफ़ेद वाली, तो भी पापा खाने के लिए आए, यहाँ पराठे के नहीं लाए, खाने के लाए। और इसमें देखें क्या है, इसमें कीवी, मेरी नहीं यस कीवी, वो मेरे माइंड में इधर आके आई थी, अर्शी को मैंने कहा सलाद ही खाता बेच ले आएंगे। कीवी लाई हूँ मैं, ये देखें जी ये कीवी। और उसके अलावा मूली हो गई है, ये कोकम्बर भी निकाल के रखिएगा, ये खीरे ना शॉपर के साथ जाए, शॉपर के साथ नहीं रखे ना वो ऐसे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कितने अच्छे हैं फ्रेश। तो ये जी मैं अभी आई हूँ और थकी पड़ी हूँ, अब मैं सारी चीज़ें संभालूंगी। तो अभी और रमदान ने भी काफ़ी चीज़ें बिखेरी हुई हैं, वो भी संभालूंगी। तो आप लोग रखें अपना ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। और बस अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। मैंने बैग भी अपना नीचे ही रख दिया है, जैसे बैठी हूँ ज़मीन पे बैठ गई हूँ, ये मेथरे लेके। तो अल्लाह हाफिज़।